अग्निवीर भर्ती इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट में अग्निवीर की भर्ती हो रही है। कोटद्वार के गब्बर सिंह कैंप में जब अग्निवीर भर्ती के लिए युवा पहुंचे तो उनका कहना था इस साल भर्ती के मानकों में काफी बदलाव हुए हैं। इससे पहले 1600 मीटर की दौड़ में 5 मिनट 40 सेकंड का वक्त मिलता था, लेकिन इस बार सिर्फ 5 मिनट में ही दौड़ खत्म कर दी गई है। इतना ही नहीं, पहाड़ में सेना भर्ती अभ्यर्थियों की हाइट अमूमन 163 सेंटीमीटर होती है, लेकिन अग्निवीर भर्ती में 170 सेंटीमीटर की हाइट वाले से कम युवाओं को नहीं लिया गया। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री और चौबट्टखाल विधानसभा विधायक सतपाल महाराज ने युवाओं की आवाज को बुलंद करने में उनका साथ दिया। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर भर्ती मानकों में छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ शिकायत की। उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं, तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की, जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहाँ पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है, तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं और नियमानुसार भर्ती होनी चाहिए, यही मंत्री जी से आग्रह है। धन्यवाद। अब महाराज जी के इस बयान के बाद भाजपा के ही विधायक दिलीप सिंह रावत का एक बयान आया है, जिसमें वो सतपाल महाराज से बिल्कुल विपरीत बयान देते नजर आ रहे हैं। लेंसडाउन विधानसभा के विधायक दिलीप रावत का कहना है कि भर्ती मानकों का पूरी तरह पालन हुआ है, इसकी जांच उन्होंने खुद की है। देखिए, कोई मानक में कमी नहीं है, और जो मानक पूर्व बताए थे वो अभी भी हैं, और मैं तो स्वयं 2 दिन तक उस कैंप में रहा हूँ कोटद्वार के, और मैं समझता हूँ कि जितनी अच्छी व्यवस्था हो रही है और बिल्कुल मानकों के अनुसार हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपेक्षा है कि हम फौज में सेवा दें, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए लोग थोड़ी सी बात करें, लेकिन ये पूर्वतः निराधार है कि मानकों के विपरीत कार्य हो रहे हैं। सतपाल महाराज जी के जिस तरह से कैसे आप देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि गलत है इस तरीके से। नहीं, अगर किसी के भी बयान आए हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण। अब सोचने वाली बात तो ये है कि एक ही पार्टी के दो विधायक अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं और किसके बयान में कितनी सच्चाई है। वैसे तो जिस तरह से रोजाना अब अग्निवीर भर्ती में आए युवाओं के बयान आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि सतपाल महाराज का बयान सही है, लेकिन इन बयानों की सच्चाई तो विधायक जी और भर्ती को आयोजित करने वाले अधिकारी ही जानते होंगे। उत्तराखंड तक के लिए देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।